उद्यम संवाद स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञान दूत विश्वास से भरा और आनंदी मैजिक वर्ड मस्ती का खजाना आनंदी मैजिक वर्ड आना है। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू कचौरी जलेबी एवरीथिंग ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा। स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे। बिट्टी जी ज्ञान देसी घी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक सिंह, खास प्रोग्राम लेके उद्यम संवाद। आज ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है और आज के जो हमारे खास मेहमान होंगे एलजोया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी इसरार खान, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ही संघर्ष की कहानी लिखना शुरू किया और आज ये कहानी एक बड़े मुकाम पे आ पहुंची है। और आज ये 35 करोड़ के आसपास के टर्नओवर की कंपनी खुद की इन्होंने बनाया है और ये पूरी कहानी संघर्ष की कैसी रही हम सीधे उनसे सवाल लेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। इसरार जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में। आपकी कहानी कैसे रही, 14 वर्ष की उम्र से आप संघर्ष कर रहे हैं और आज बड़े मुकाम पे हैं। पहले तो इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक व्यापारी का और इंटरव्यू और दिखा रहे हैं सरकार की तरफ से। हमने जो है 14 साल की उम्र से कारोबार शुरू किया, पहले बहुत छोटे लेवल से काम चालू किए, धीरे धीरे मेहनत करते गए और आज जाके इस मुकाम पे खड़े हैं। बिल्कुल इसरार जी, ये बताइए, चूंकि एक जमाना था जब आप 1600 रुपए की नौकरी करते थे और आज आप 1600 की नौकरी करते करते किया, आपने संघर्ष किया और आज 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितना अच्छा आपका मुकाम है, कितना अच्छा फील करते हैं कि आपकी एक कामयाबी के पीछे की आज के स्थिति में, आज के समय में आज आप 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी से तो बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम था जो हम दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे, आज ऐसा वक्त आ गया है कि ऊपर वाले ने मतलब इतना नवाजा हमें कि लोगों को हम काम दे सक रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व फील करते हैं, पर इसके पीछे बहुत मेहनत है और बहुत सारा आप देखने जाए तो सपोर्ट भी है फैमिलीज़ की और सबकी दोस्तों की कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया जाके हम यहाँ तक खड़े हुए हैं। बिल्कुल इशार जी, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, पता लगा आपने 1 लाख रुपए से काम शुरू किया और आज 35 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, ये मुकाम पहुंचने में कितना समय लगा, कितने वर्ष लग गए आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि 14 साल की उम्र से हम जब काम चालू किए थे तो उस टाइम कारोबार नहीं कर रहे थे, तभी हम जॉब कर रहे थे। धीरे धीरे हम जॉब करते 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 आगे आए और हम ट्रेडिंग भी किए। ये कंपनी हमने अलजोया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म है हमारी, वो हमने 2016 में इसे चालू किए थे। जब हमने कंपनी चालू की है उस कंपनी का कैपिटल 1 लाख रुपया हमने डाल के कंपनी चालू किया था। आज ऊपर वाले की करम से और हम लोग की मेहनत से, हमारी पूरी टीम की मेहनत से आप कह सकते हैं कि ये कंपनी आज जाके 35 करोड़ के टर्नओवर पे खड़ी हुई है। ये जो आपकी कंपनी है, इसकी जो ब्रांड है आपका, वो ब्रांड कौन सा है और क्या उत्पादन करता है और कहाँ कहाँ पे अभी ये कंपनी है। जी जैसे कि आप जानते हैं अलजोया ओवरसीज कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये डॉग फूड्स के बारे में है। ये टोटल हम डॉग फूड्स बनाते हैं जिसमें डॉग ट्रीट्स एंड डॉग च्यू होते हैं और हमारा जो मैक्सिमम जो काम है वो टोटल एक्सपोर्ट यूनिट है। अभी हमारा पूरा जो भी माल है वो सब एक्सपोर्ट US एंड यूरोप और मिडल ईस्ट कंट्रीज में जा रहा है। मैक्सिमम माल हमारा जितना भी है सब US ही एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। जी आपने इस कार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आप इनको लोगों को डीलरशिप दे चुके हैं, कहाँ कहाँ तक ये माल जा रहा है। अभी जैसे कि आपको हमने बताया कि हमारा जो ब्रांड है पैट्रिक्स वो इंडिया में हमने लॉन्च किया है, जो कि अभी हमने महाराष्ट्र में डीलरशिप दी हुई है, आपका गुजरात में दिया है, तेलंगाना में दिया हुआ है और आपका MP में दिया हुआ है, जो हमने करीब 5 राज्यों में अभी तक हमने डीलरशिप दिए हैं
और ये हमारा जो ब्रांड है पैट्रिक्स, ये हम पूरे 5 राज्यों में काउंटर सेल्स चालू हो चुकी है और इवन लखनऊ में भी हमारा माल जो है काफ़ी जा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट लखनऊ में भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आप देखेंगे बस्ती भी माल जा रहा है और बनारस और भी सब जगह हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भी माल यहाँ से जा रहा है। बिल्कुल इसराज जी, चूँकि हमारा कार्यक्रम उद्योग संवाद है और उद्योग की स्थितियों जानने के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम रहता है, यदि हम पिछले 2 वर्षों की बात करें, कोरोना में काफ़ी इफेक्टेड रहा व्यापार, तो इस समय स्थितियां व्यापार की क्या हैं और क्या लग रहा है आपको, यदि इफेक्टेड हुआ भी है तो इसमें संभलने के चांस हैं या नहीं है? जी बिल्कुल है, चांसेस बिल्कुल है संभलने का। देखिए कोरोना जो आया है नॉट खाली इंडिया के लिए है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कोरोना था और इसमें सभी लोग ने परेशान हुए, चाहे वो नीचे तबके लोग हो, मिडल बिजनेस है हो या अपर बिजनेस हो, एमएसएमई सेक्टर भी बहुत इसमें प्रभावित रहा। बट जब ये चीज़ें अभी आप देखें कि कोरोना लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और जिस हिसाब से हम लोग का जो फील्ड है वो है फूड इंडस्ट्रीज़। अब पेट फूड इंडस्ट्रीज ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा उसको ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो है। अगर आप फ्यूचर देखें तो इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है इट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर। चलिए इस कार्यक्रम में उद्योग से थोड़ा हट के हम आपके पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे, चूंकि चर्चा वो भी जरूरी है। यदि आप देखें व्यक्तिगत जीवन में, तो आपको किन चीज़ों का शौक है और किस चीज़ में आपको ज़्यादा मन लगता है? जी मुझे तो सबसे ज़्यादा मन लगता है काम में ही, मेरा ज़्यादातर वक्त जो है मेरी फैक्ट्री में ही लगता है, प्रोडक्शन में देखता रहता हूँ, और बाकी खेलकूद की चीज़ें तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। हाँ थोड़ा बहुत गोल्फ वोल्फ खेल लेते कभी टाइम मिला तो, नहीं तो मैक्सिमम जितना भी टाइम होता है हम अपनी फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन को ही देखते हैं और सेल्स पे फोकस करते हैं। इस कंपनी की कल्पना आपको कब आई और कितने साल पुरानी कंपनी है आपकी? ये हमारी कंपनी जो है 2016 में हमने कंपनी बनाई थी और हम गए थे US, तो US में हमने देखा कि डॉग्स को जो है लोग बहुत लाइक करते हैं और उनको अपने एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, वही चीज़ हमने इंडिया में भी देखा, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि वहाँ पे इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्ट जा रहा है। तो फिर हमने कुछ पहले ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में हमें ये लगा कि हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत आउटसोर्सिंग होती थी। फिर हमने ये फैक्ट्री का अपना प्लानिंग लिया, हमने पूरा इसका रिसर्च किया कि भाई फैक्ट्री कैसे लगती है, क्या है, कैसा है। फिर हमने इसको जो है 2 साल का वक्त लगा फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन में, फिर जाके फैक्ट्री रेडी हुई। देश में 40 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो इसी कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन उन कंपनियों से आपकी कंपनी में क्या फ़र्क है, क्या कोई नई चीज़ है आपके पास? जी हमारी कंपनी में एक चीज़ ये है कि हम जो इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो टोटल US का जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो रेंज है हमारे, वो सारे रेंज हमने इंडिया में लॉन्च किया है। अभी अगर आप देखें, अगर आप डॉग के ट्रीट्स के बारे में अगर आपको चाहिए या चू के बारे में आपको कुछ चाहिए, तो मैक्सिमम लोग फिलीपींस या थाईलैंड या चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इंडिया के लिए। हम इंडिया के लोग इंडिया से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ वो लोग रिपैक करके हमें भेजते हैं, तो क्यों ना हम अपनी ही ब्रांड, अपना ही माल अपने ही देश में क्यों ना भेज सकें। तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया और ये फर्स्ट कंपनी ऐसी है जो कि पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वही चीज़ हम इंडिया में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसराज जी, पूरे इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए आपका हम धन्यवाद करेंगे और पूरे इस कार्यक्रम में यदि आपने चीज़ें गंभीरता से देखी और सुनी है तो साफ है कि युवाओं के लिए बहुत सारे संभावनाएँ हैं उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए, और यदि वो दृढ़ संकल्पित हैं तो यदि 14 वर्ष की उम्र का एक संघर्ष करने वाला आदमी आज यदि बड़ी कंपनी का MD है तो जाहिर सी बात ये सपने आप भी देख सकते हैं, लेकिन संघर्ष रखना बहुत ज़रूरी है। और यदि 2 बातें और बड़ी नज़र आई हैं इस कार्यक्रम के दौरान जो कि इसराज खान द्वारा कही गई हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए यदि विचार करता है कोई व्यापारी तो यहाँ पे कोई भय का माहौल नहीं है, बिजली और सुरक्षा जो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर सरकार पूर्ण रूप से खरा उतर रही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में निवेश नीति में लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इन्वेस्टर समिट जैसी जो कंपनियां जो आयोजन किए गए यूपी गवर्नमेंट द्वारा उनका भी असर देखने को मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इसरार खान का हम धन्यवाद करेंगे और अगले फिर किसी नए कार्यक्रम में नए सक्सेस के साथ मुलाकात।
मुलाकात होगी, तब तक के